हेलो गाइस, हाउ आर यू। नमस्कार, जय बाबा की। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों फिलहाल आज हम जा रहे हैं रामदेवरा, बाबा रामदेव जी के वहाँ पे मत्था टेकने के लिए। और आज का जो हमारा ब्लॉग रहेगा वो सिर्फ हमारी इस तीर्थ यात्रा के अकॉर्डिंग रहेगा। जहाँ जहाँ हम जाएंगे, जहाँ भी हम तीर्थ स्थान पर रुकेंगे, वहाँ का आपको जो भी बढ़िया सा व्यू है जैसे आपको दिखाएंगे। और आज हम लेके जा रहे हैं आपको वृणेचा धाम। तो अभी हम यहाँ से घर से निकलते हैं। पहले हम हमारे अभी हमारे गांव में एक बाबा रामदेव जी का मंदिर है, वहाँ पहले वहाँ पर माथा टेकेंगे, उसके बाद में यहाँ से रवाना होंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं जब। दोस्तों ये है हमारे गांव का मंदिर, बाबा रामदेव जी। अभी हम पहुँच गए हैं, गाइस चलते हैं मंदिर के अंदर। हम आज माथा टेक ही लेते हैं आखिर। आ जाओ चलते हैं। अभी हम यहाँ मंदिर में पहुँच गए हैं दोस्तों। दोस्तों हमारा जो सफ़र है वो अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर प्लस है हमारा, जो आज का हमारा 400 प्लस है। अभी हम शूज निकाल देते हैं। ये दोस्तों हमारे गांव का मंदिर। तो गाइस आज का सफ़र हमारा, मैं और MD शर्म दोनों साथ में जा रहे हैं, हमारा साथ में रहेगा। और उम्मीद करूंगा हमारा ये सफ़र बहुत ही बढ़िया करे बाबा रामदेव जी की कृपा से, हमारी यात्रा सफल रहे, कोई भी परेशानी हमें ना आए, क्योंकि बाबा का हमेशा हमारे सर पर हमेशा हाथ रहा है और अब भी रहेगा, ये हमारी मन की इच्छा है। और अभी यहाँ से हम निकलेंगे तो देखो नाइट कहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है, 400 प्लस किलोमीटर है हमारा सफ़र, देखते हैं। बाकी दोस्तों सारा तो मैं एक ब्लॉग में आपको नहीं दिखा पाऊँगा, और शायद मेरे हिसाब से 2 या 3 ब्लॉग मेरे को शूट करने पड़े, तो बने रहिए कंटिन्यूस हमारे ब्लॉग में। थैंक यू गाइस, निकलते हैं यहाँ से हम। जय बाबा की। ये दोस्तों हमारे गांव कमाणा के अंदर बाबा रामदेव जी की कैंटीन लगी हुई है यात्रियों के लिए। जय बाबा की। हेलो गए सेवा के लिए भंडारा लगा हुआ था। अभी सो फ्रेंड्स हमारे पास ना बाबा रामदेव जी की ध्वजा नहीं थी, अभी हम सूरतगढ़ पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ मैंने ध्वजा ली है। अरे वैसे टाई कर रहे हैं, नीचे करूँ क्या, और तब ऊपर करूँ। ये देखो दोस्तों अब ये हमारी ध्वजा हो गई तैयार, और अभी हम रवाना हो रहे हैं। हम अभी निकले दोस्तों। ओके निकलते हैं। ये देखिए हमारी ध्वजा उठती जा रही है। सो फ्रेंड्स वी आर पासिंग मार्केट ऑफ सूरतगढ़ की मार्केट में सब लगा दी मार्केट।
अच्छी व्यवस्था की हुई है महोर सेवा समिति की। बाबा इनकी सबकी मनोकामना पूरी करें और हमेशा इनके भंडार भरे रखे। जय बाबा की। दोस्तों निकलते हैं अभी हम यहाँ से, हमने नाश्ता कर लिया है, अब यहाँ से निकल रहे हैं। तो दोस्तों हम अभी पहुँच गए हैं कुल्लायत। अभी रात के क्या समय हो गया? रात का अप्रोक्सीमेटली 12:15 बज चुके हैं। अभी हम कुल्लायत पहुँचे हैं और जो ये कुल्लायत यानी जिस लेक से फेमस है वो ये बावड़ी, ये आप यहाँ नीचे देख सकते हो बट आपको दिखाई नहीं दे रही क्योंकि यहाँ अंधेरा है। वो लाइट आपको दिख रही ना, ये इसी का संकेत है। वो देखिए ये सरोवर है यहाँ का, ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत माहौल है। बाकी अभी रात में यहाँ एंट्री नहीं थी और इसलिए हम यहाँ रुके नहीं, हम सीधे निकल गए। अगर हो सके तो हम जब वापसी आएंगे ना तब यहाँ विजिट करके जाएंगे, आपको जरूर दिखाएंगे। सो डोंट वरी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। हेलो दोस्तों, ये दोस्तों हम अभी पहुंचने ही वाले हैं। हम अभी रामदेवरा से 108 किलोमीटर दूर हैं। हल्की हल्की बारिश हुई है, हमने अभी दूध ले लिया फिलहाल। हमें बहुत खूब मज़ा आ रहा है और बाइक के सफर करते हुए मज़ा आ रहा है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मस्त, मैं कह रहा हूँ आनंद आ रहा है क्योंकि ये मौसम को तो बनवाना सफर का मज़ा लेंगे दोस्तों। जब भी जैसे आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करूँगा मैं आपके लिए नेक्स्ट ब्लॉग कुछ अलग से लेके आऊँ। नेक्स्ट ब्लॉग कुछ अलग ही होगा हमारा और कुछ होगा अच्छा भी और क्या नॉलेजेबल होगा। ये देखिए दोस्तों ग्रीनरी कितना हल्की हल्की बारिश होकर ना मौसम को कुछ नया रूप दे दिया, फीलिंग ही अलग। दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों, हमारे सिवा हमको यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। बारिश लग रहा है, बहुत तेज हो रही है मौसम के हिसाब से, अब देखो क्या होता है। अपने दोस्तों मिलते हैं आगे बारिश में। क्या अभी हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं, वी आर ऑन द वे। ये देखिए आगे जाते जाते हुए थोड़ी दूर है, आपको माहौल दिखाता हूँ। ये देख लीजिए छोड़ दिया जमीन को, आगे आ गए यात्री बहुत। तो दोस्तों हम इस बाप नाम की जगह पहुंच गए हैं। इस जगह का नाम बाप है, ये यहाँ का प्राइमरी स्कूल था, मतलब स्टार्टिंग है। और ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है बाप, सुनने में अजीब है।
यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर हम आधे पौने घंटे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर आपको व्यू दिखाता हूँ कितना, क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी भक्तू। तो इंतजार की घड़ी खत्म। दोस्तों रामदेवरा सिर्फ हमारे से ओनली 1 किलोमीटर दूर रह गए, बाबा रामदेव के जगह हम पहुंच गए हैं। जैसे ही आपको नजारा दिखेगा एंजॉय करोगे। हम इधर जाना पड़ेगा ना, इधर तो ये जेल वाली गाड़ी जा रही है आपके आगे से, आगे से, आगे से, आगे से। तो ये देखिए रामदेवरा इधर की तरफ साइन किया गया है, ट्रैफिक ऑफिसर और इससे हमारी इनसे हमारी थोड़ी जस्ती नहीं है, कम होनी चाहिए। ये थोड़ा बारिश के कारण ना ये रोड का थोड़ा सा हाल हाल है। अरे भैया नंदी महाराज, नंदी महाराज, बारिश के कारण है यहाँ पर थोड़ा माहौल सा लग रहा है। बस भाई हमारी रसीद कटी हुई है, अभी हम ये देखना है अभी हम बाइक कहाँ पार्क करेंगे और उसके बाद में कुछ जाएंगे आगे हम मथा टेकने के लिए। अब बाइक कहाँ पार्क करें बताओ। एक्चुअली दोस्तों हम यहाँ रुक गए हैं कि बाइक को पार्क करते हैं, उसके बाद में
पार्क करनी पड़ेगी क्योंकि ना आगे रास्ता नहीं जाने के लिए। जय बाबा मेरी भक्तों, हम अभी अभी जस्ट ही रुणेचा धाम पहुंच चुके हैं। अभी हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, हमने प्रसाद ले लिया है और पार्किंग फ्री थी। वो एक्चुअली जहां हमने पार्क की है ना बाइक, वो भैया ऐसे कह रहे थे ना पार्किंग फ्री है और सिर्फ प्रसाद लेके जाना है। और वो ये देखिए 100 रुपये का दिया। थोड़ा बरसात के कारण यह माहौल थोड़ा अच्छा है। इतनी भीड़ तो नहीं है यहाँ पे, देखे जा रहे थे हम तो क्या बाइक अंदर से आ रहे हैं। चलो हम भी क्योंकि हम पैदल भी चले ना, थोड़ा हमारा वॉकिंग हो जाएगी ना, थोड़ा सही हो जाएगा। ये देख लीजिए आप भाई, अंदर से रुणेचा धाम कैसा है। रामदेवरा देखो करो और प्रसाद लो, यानी कि वो प्रसाद महंगा देते हैं, 10-10 रुपये की थैली है, 100 रुपये की लगाते हैं। और पूछते भी हैं छोटे वाली चाहिए बड़े वाली, यानी 20 वाली या 10 वाली, उनका मतलब 100 वाली या 200 वाली। हम वो जाते वक्त प्रसाद हमें होटल से सूरतगढ़ से लेके जाएंगे। हाँ, हम प्रसाद सूरतगढ़ से लेके जाएंगे जहाँ हमको सस्ता मिलेगा। दोस्तों मेला पूरा भरा हुआ है, ये देखिए। आराध्य माठ, पूरा ही भरा हुआ मेला। ये रेस्टोरेंट, ये देखिए दोस्तों, मेला तो मेरे को लगता है यहाँ से स्टार्ट है। ये बालाजी क्या कर रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं भैया? चलो जब आएंगे ना तो देखेंगे। पहला हमारा जो लक्ष्य है, जो मंजिल है, वो मत्था टेकना। पहले हम मत्था टेकना, फ्री होना है बस हमने। ये यहाँ पे फोर्चूनर की सारी गाड़ी मिलती है आपको, जो भी गाड़ी लेनी है। जेसीबी या सिर्फ जेसीबी भी, देखिए दोस्तों अंदर का माहौल। वैसे हम रुणेचा धाम पहुंच चुके हैं, मेरा दोस्त हमसे दूर हो गया है, मेरे को आगे जाना पड़ेगा।
आए ये हमसे अलग हो गए थे, अब मैं इनके पास आया हूँ, अब यहाँ आएंगे। ये देखिए अंदर का माहौल। आपकी यात्रा बाबा मंगलमय करे। अब की बार भीड़ तो नहीं है इतनी, कुछ नहीं है, और आप हमें पूर्ण सहयोग करें, देवों की शांति बनाए रखें। सभी यहाँ पर अपनी इच्छाओं के लिए यहाँ पर जो बांधे हुए हैं, प्रसाद है भैया हमारे पास। बाबा रामदेव जी समाधि स्थल, यहाँ बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी, यहाँ पुलिस वाले रोकेंगे बनाने के लिए। तो देखते हैं कैमरा अलाउड है या अंदर नहीं है। सो आई थिंक लेकर रखा है। वैसे दोस्तों आपको मैं बता दूं, अंदर की दोस्तों जो अरेंजमेंट ना, जो आपके माथा टेकने के लिए जो कतारें हैं उनकी अरेंजमेंट अच्छी है। सभी नारों पे नारे लगाए जा रहे हैं, सभी जयकारे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों वैसे देखे तो ना कैमरा अंदर अलाउड नहीं था, आपके लिए रिस्क ले रहे हैं। ये नेक्स्ट आगे वाले भैया भी हमें रोक रहे थे बनाने के लिए, बट हम कहाँ टिकने वाले हैं। अंदर की वैसे अरेंजमेंट अच्छी है ना, जो मथा टेकने की अरेंजमेंट है, जो ये कतारों वाला सिस्टम बनाया वो अच्छा है। फेरिया ने खड़ा नहीं, देखिए पहले हम पता नहीं, ये देखिए कतार। देखिए इतना बड़ा ह्यूज है, बड़ा सारा पगला। ये दोस्तों मंदिर में छुप के वीडियो बना रहा हूँ। घोड़ लियो। ये बाबा जी के पग लिए चरण पादुका, ये लाली बाई का कंगन Thank you.
किधर किधर चले किधर चलते हैं पुलिस आ गई है पुलिस आ गई है देखिए बच्चे में शक्तियाँ आ रही वही हम तो देखने के लिए आई थी और बाबा रामदेव जी ने उन्हें शक्तियाँ दे दी रस्ते पे चलने लगे ये देखिए यहाँ पर इसे पता नहीं क्या दिया गया है क्या नहीं ये राम सरोवर अच्छा दिस इज द राम सरोवर ये देखिए पूरे काफी भीड़ है ये देखिए हमने अपनी जैसी बारी का दुख नहीं बनी दोस्तों हमने ठान लिए भी हमें निहान करना ही है ऐ सुनील हमने ठान लिए भी निहान करना ही है ये राम सरोवर है अरे समय भी मेरे को लग रहा है ये बंद करेगा तो दोस्तों फाइनली हमने रुनेचा में बाबा जी के दर्शन हमने कर ही लिए हैं तो हमारा जो ब्लॉग है हम यहीं पे एंड कर रहे हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं अब जहाँ भी हम कोई बढ़िया लोकेशन पर जाएंगे तो वहाँ के लिए आपके लिए स्पेशली ब्लॉग तैयार करेंगे तो गाइज फिलहाल उम्मीद करूँगा आपको हमारा ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा तो जय बाबेरी दोस्तों जय बाबेरी अभी हम रुनेचा धाम से रवाना हो रहे हैं घर की ओर से निकल रहे हैं बस जय बाबेरी।